नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम ये विशेष प्रसारण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और ये प्रसारण है विजय दिवस के उपलक्ष्य में। पाकिस्तानी फौज को भूतो न भविष्यति हार और शिकस्त का सामना कराने वाली भारतीय फौजों का ये जो अद्वितीय साहस है उसको आज 50 साल यानी स्वर्ण जयंती हो चुकी है। स्वर्ण जयंती का यह पर्व पूरा देश मना रहा है और हमारे देश के साथ साथ में यह विजय दिवस बांग्लादेश में भी मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आजादी दिलाई गई और इस आजादी दिलाने के काम में भारतीय फौजों ने जिस तरह का वैलर दिखाया, जिस तरह का साहस दिखाया, वो आज तक के इतिहास में इस तरह का साहस कहीं देखने को नहीं मिलता है। 93,000 पाकिस्तानी फौज ने भारत के फौज के सामने आत्मसमर्पण किया। घुटनों के बल पर थी पाकिस्तानी फौज। बांग्ला जनता पर, निहत्ती बांग्ला जनता पर जिस तरह के अत्याचार पाकिस्तान की नापाक फौज ने किए, उसके बाद मुक्ति वाहिनी के रूप में और भारतीय सेना ने जिस तरह से रण का एक कौशल का परिचय देते हुए यह सारा का सारा युद्ध कौशल मैदान में दिखाया और जिससे पाकिस्तानी सेना के छक्के छूट गए। आज उसी की याद में स्वर्ण जयंती का यह पर्व मनाया जा रहा है। यूं तो 16 दिसंबर को, हर 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम इसे याद करते हैं और हमारी फौजों को शाबाशी देते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन आज यह विशेष पर्व इसलिए है कि इसको अब 50 साल आज पूरे हो गए हैं और यह स्वर्णिम जयंती के तौर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जाकर हमारे वीर गति को प्राप्त हमारे भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश में विजय दिवस के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वो शरीक होने के लिए ढाका पहुंचे हैं। इस तरह से आज पूरे देश ने भी विजय दिवस की इस स्वर्णिम जयंती को मनाया है और हम भी इसमें हमारी तरफ से देश के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त की और साथ ही हमारी सेना के जो जवाब अफसर जिन्होंने इस युद्ध में पाकिस्तान के मेजर जनरल ए के नियाजी को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। और आज इसी अवसर का लाभ लेते हुए, अवसर को एक तरह से हम आप तक इस पूरी की पूरी जानकारी को लाने के लिए हमने ये विशेष कार्यक्रम रखा है जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल सुधाकर जी और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के, इन दिनों इंग्लैंड निवासी, भारत माता के सपूत डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए और जनरल साहब से जानना चाहूंगा कि इस युद्ध का जो खास जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो क्या रहा और हमारी भारतीय सेनाओं का जो वैलर दिखा इस युद्ध में वो किस तरह का रहा और आज हम स्वर्ण जयंती इसकी मना रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले सुभाष जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर मिर्जा साहब को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, बधाई हो, नमस्कार। और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज एक ऐसा सुनहरा दिन है, ना केवल भारत के लिए या बांग्लादेश नहीं बल्कि विश्व के लिए। एक सैनिक तक का जो गुण होता है ये पूरा सुनहरा अक्षरों में लिखे जा सकते हैं और लिखे गए हैं। आपको शायद पता होगा, हमारे दर्शकों को भी पता होगा, लेकिन आगे कुछ कहने से पहले आइए हम सारे जो हमारे मार्टियर्स हैं इस लड़ाई के दौरान, कि हिंदुस्तान के करीब करीब 3,000 सैनिक गुजर गए थे, मार्टियर हुए थे, और करीब 8,000 के करीब मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक करीब जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर डेथ हो गया था, हालांकि उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड 8,000 कहता है, कम कहता है, और 25,000 से ऊपर जख्मी हो गए थे और इसी तरह सिविलियन भी काफी। उन सबको आइए सब मिलके हम उनको, उनका जो आत्मा है, भगवान से प्रार्थना करते कि उनको
शांति स्थापना मिले। इसी के साथ ही मैं चंद एक चीजों को क्विक पॉइंट्स में बताना चाहता हूं। हमें सभी को मालूम है, मेरे अंदाज से ये लड़ाई की जो बीज है इसको बोने वाले हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, जबकि टू नेशन कॉन्सेप्ट के दौर पर उन्होंने स्टार्ट किया था मुस्लिम लीग का डिमांड कि हिंदुस्तान के अंदर, मैं एक्चुअली जिंगोइस्टिक इमोशंस के ऊपर ज्यादा प्ले नहीं करना चाहता हूं, कोई लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन जिन्ना साहब का ये डिमांड था कि मुस्लिम एक अलग किस्म के देश होना चाहिए, हिंदुस्तान से कार्व आउट होना चाहिए। ये है शुरुआत, ये जो बीज की जो बोए थे, और शुरुआत के वजह से हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान सेपरेट हो गया तो ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के दिन में हम बांग्लादेश कहते हैं, ये जन्म लिया था। तो पाकिस्तान दो हिस्सों में होते थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो बुनियादी चीजें जो जो महत्व रखते हैं आज के दिन के साथ जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहला शुरुआत ये था, और दूसरी बात एक बिलीफ सिस्टम एक पाकिस्तान में पैदा हुआ था कि जो कुछ हिंदुस्तान से जन्म हो रहा है, मैं हिंदू या मुस्लिम के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वो डॉक्टर मिर्जा साहब अगर चाहेंगे वो कह सकते हैं, लेकिन उनका विचार ऐसा था कि जैसे ही वो डिवीजन हो गया उसके बाद पाकिस्तान का नजरिया जो है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की तरह चला गया और हिंदुस्तान को बहुत ही एक इंफीरियर नेशन के तौर पर वो देखने लगे। साथ ही आप सबको पता है अचानक उनकी देहांत हो गया जिन्ना साहब का 51 में 1951, और मिर्जा साहब जो प्रेसिडेंट थे उनका भी एसेसिनेशन हो गया था। लेकिन इसका अगला जो स्टेप है, जो मार्शल लॉ स्टार्ट हुआ, आप सबको पता होगा फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने जब अनाउंस किए थे, एक चीज मैं सबके याददाश्त के लिए बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक सैनिक हिंदुस्तान की 10 सैनिक के बराबर है। ये जो एक मिथ था, ये मिथ को पूरा एकदम खंडन, इट वॉज शटर्ड इन टू पीसेस। कैसे? कि ये एक ऐसा लड़ाई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के बाद, ये पहली बार इस किस्म के लड़ाई में 93,000 के बराबर जो प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ के उन्हीं के देश में बिना कोई चोट या खून खराबी करके उनको वापस किया गया है। बाकी है बहुत सारे तादाद में, बहुत लड़ाई में बहुत सारे पीडब्ल्यू हुए हैं, लेकिन जिस तरफ हिंदुस्तान ने उनकी देख रेख की और इनका सेवा और अच्छी तरह जो लुक आफ्टर करने के बाद जो वापिस किया, ये एक बहुत ही एक मैग्नेनिमिटी माना जाता है जो अंग्रेजी में बोलते हैं। और दूसरी बात, इतना बड़े रकम की जो पीडब्ल्यू हमने उनको हैंडओवर किया, इससे कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हम कोई सिक्योर नहीं कर पाए या एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। सो मैं ये कहूंगा कि इस किस्म की जो आउटलुक, जो हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, इसकी बिल्कुल एकदम बूंद बूंद तक, जड़ तक जो होते हैं मीनिंग होता है, सब कुछ अप्लाई किया गया। और वसुधैव कुटुंबकम, ये बिल्कुल इंप्लीमेंट किया गया था इसी देश के जरिए से, क्योंकि उस समय हमने इसको नजरअंदाज कर दिए, शायद सही समय पे सही चीज हम डिमांड नहीं कर पाए, इसलिए हमारे खिलाफ ये पाकिस्तान जो बोलते हैं ना द वॉर विथ 1000 कट्स, ये हमारे खिलाफ लगा रखे हैं। तीसरा चीज मैं हाईलाइट ये करना चाहता हूं कि आप सबको पता होगा ये एक ऐसा लड़ाई है, इस लड़ाई के दौरान हिंदुस्तान कभी लड़ाई नहीं करना चाह रहा था। जब 10 मिलियन के करीब बराबर रेफ्यूजी आने लगे हमारे देश के अंदर, क्यों? इसकी शुरुआत हुई थी मार्च के महीने में 1971 को, पाकिस्तान के जो आर्मी है, ये बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी और अवामी लीग या उनके जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश के खिलाफ, वो काफी एक आई वुड से उन्होंने काफी जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिए, हर किस्म की जो अन्याय होता है सब कुछ हुआ, लूट, रेप, अब कुछ भी बोलिए, कस्टोडियल डेथ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मतलब मान लीजिए उनके जो लीडर्स है उठा के उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा। तो ये करने के बाद जब क्रैकडाउन शुरू हो गया, वही से ही पैदा शुरू हुआ था मार्च के महीने से, और तब से हिंदुस्तान पूरा विश्व में देश देश में जाके हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है सबको बताते रहे, सबके ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश किया, यहां तक अमेरिका में भी जाके गए, हमारे इंदिरा गांधी जो थे मैडम थे प्राइम मिनिस्टर मैडम, जाके उनको जब पूरा सारे इतला किए और हेल्प के लिए मांगा, तो यूएस का जवाब पूरा दुनिया को पता है, वहां पे इंदिरा गांधी जी सही जवाब, मुंह तोड़ जवाब देके वापिस आए थे। उन्होंने कहा था कि हम गरीब राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन हमारा मेरुदंड गरीब होने की वजह से कोई तोड़ नहीं सकता है, हम अपने जीवन और बल बस पे हम जी सकते हैं और जीतेंगे।
तो ये वापस करके आए थे। रशिया हमारा मदद किया था उस समय, वेस्टर्न यूरोप से चंद एक देश हैं जो हमें सपोर्ट करने लगे, और उसके बाद रशिया के साथ एक जबरदस्त एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसलिए रशिया को माना जाता है कि एवरग्रीन ऑल वेदर फ्रेंड। और लड़ाई जो है सिर्फ एक फ्रंट नहीं, ये दोनों फ्रंट से हुआ था, वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट से। वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान की तरफ से, ये 3 दिसंबर की नैरेटिव है वॉर डायरी से, पाकिस्तान से जो उनके अटैक जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं उससे क्या हुआ, 11 एयर बेसेस और हमारे जो एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक शुरू हुआ। जब 3 दिसंबर को ये शुरू हुआ तो वेस्टर्न फ्रंट एक्टिव करने का उनका एक ही इरादा था कि ध्यान हिंदुस्तान का वेस्टर्न फ्रंट की तरह लिया जाए ताकि ईस्टर्न फ्रंट में वो जीत सके और लड़ाई को खींच खाच के लंबा दौर के लिए खींच ले ताकि इंटरनेशनल विश्व लेवल पे हमारे ऊपर रोक लगाया जाए और फाइनली ट्रूस किया जाना चाहिए। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया। रशिया हमारे सपोर्ट के आते ही, आप सबको पता होगा उसी समय प्रेसिडेंट निक्सन साहब थे, प्रेसिडेंट निक्सन साहब एक सीक्रेट विजिट पाकिस्तान का मदद लेते हुए चाइना गए थे सिर्फ यही चीज बताने के लिए कि हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला के लिए कभी कोई सुविधा नहीं होना चाहिए, आप उत्तर से हमला शुरू करो। इसी तरह सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका का जो वियतनाम के साउथ में था, 7th फ्लीट से एक ग्रुप टास्क 74 को भेजा गया था। टास्क 74 ये मलक्का स्ट्रेट होके बे बंगाल की तरह आगे की तरह एडवांस करके बांग्लादेश के आसपास पहुंच गए थे। इनको रशिया ने पीछे पीछे से उनका जो क्रूजर और जो कैरियर्स थे, ये सारे जो बॉम्बर्स होते हैं वो पीछे से उनको ट्रैक करते रहे और न्यूक्लियर सबमरीन भी ट्रेल करते रहे, पीछे से आते रहे। लेकिन तब तक 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हो के 16 दिसंबर तक ये लड़ाई खत्म हो गया था। जो बुनियादी चीजें फौजी दस्तूर के मुताबिक 3-4 चीजें हाईलाइट होते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि यहाँ पे मुक्ति वाहिनी, जिसको हमने मदद किया था, ट्रेन किया था, और यही मुक्ति वाहिनी बहुत कामयाब हुए, पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब दिए, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारा फौज चारों तरफ से, बांग्लादेश के चारों तरफ, चारों बॉर्डर से, एक पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार एक ये टेस्टेड एंड ट्राइड आउट हुआ है, पैरा स्पेशल फोर्सेस को एयर ड्रॉप करना दुश्मन की पीछे वाले इलाके में, दुश्मन को कट ऑफ करने के लिए ताकि ढाका का रूट खुल जाए। तीसरी बात है कि हेलीबोन ऑपरेशन, किताब बहुत पढ़ाते हैं, बहुत कुछ थियोरी में पढ़ाया जाता है, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में सक्सेसफुली हेलीबोन ऑपरेशन ट्रूप्स को लिफ्ट करके मेघना नदी के उस पार जाके ड्रॉप किया गया, पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था उसको कट ऑफ किया गया। चौथी बात यह है कि इस समय उनका जो लाइन ऑफ लॉजिस्टिक, जो ढाका, ढाका का जो डिप्लॉयमेंट था, इसको चारों तरफ से घेर डाले, समय बहुत ही कम समय के अंदर रैपिड डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑफ ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान इसको समझ में आया। ये था ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई। इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान को जो उन्होंने छड़ा था, जो शुरू किया था, मुंह तोड़ जवाब दिए, और हिंदुस्तान काफी तादाद में, 1965 की बात आप भूल जाइए, 1971 में हमने बहुत ही कुछ गेन किया था लैंड स्टेट अंदर जाके। एक मिसाल के तौर पे मैं उदाहरण दूंगा, शकरगढ़ सेक्टर आप सब सुने होंगे, बैटल ऑफ बसंतर, ये 12 दिन की लड़ाई जो है वहां पे रवि नदी के उस पर 12 दिन तक लड़ाई हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिए, नए नए जो टैंक अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, उनके जो ड्राइवर्स हैं टैंक ड्राइवर्स, वो चलाना नहीं आता था, उनको सही मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसी में हराए थे। बैटल ऑफ लोंगेवाला आप सबको पता होगा, एक कंपनी लोंगेवाला में, और जब एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स सुबह 5 बजे तक उनको पता चल गया था आर्मर डेवलप हो रहा है, आगे की तरह एडवांस हो रहे हैं, और सुबह होते ही 7 बजे तक इंडियन एयरफोर्स उनके ऊपर हमला करके बर्बाद किए थे। इस लड़ाई में तकरीबन मेरे हिसाब के मुताबिक करीब 37 टैंक को डिस्ट्रॉय किया गया था, बैटल ऑफ लोंगेवाला। इसी तरह ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, किसी को पता नहीं है, विश्व में इसको स्टडी करना चाहिए, कैसे ट्राई सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स पूरा कोऑर्डिनेट करके, देश का हालत सबको मालूम है क्या था उस समय, 10 मिलियन उस समय रेफ्यूजी हुआ करते थे, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कोलकाता और असम की तरह, त्रिपुरा की तरह। इसके साथ ही ऑपरेशन ट्राइडेंट, हमारा जो नेवी है उसको टास्क मिला था जब मुंबई से निकल के, कि आपका टास्क एक ही है कि पाकिस्तान कराची पोर्ट से कोई री इन्फोर्समेंट ईस्ट पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। तो हमारे जहाज कराची के आसपास पहुंच के करीब 150 माइल दूर
जो छोटे छोटे बोट्स में जाके मिजाइल अटैक किया कराची पोर्ट के ऊपर, तो उनके जो ऑफिसर्स जेसीओ जो आर थे उनको लगा जैसे कि कोई हवाई हमला हो गया, उनको पता नहीं चला कि क्या हो गया था। तीसरा चीज मैं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल प्रेशर, जो कोल्ड वॉर की जो पहलू हैं रशिया और अमेरिका, अमेरिका सबको पता है सेवेंथ फ्लीट से उनके जो जहाजों के जो कंपोनेंट है मलाका स्ट्रेट होके बांग्लादेश पहुंच गए थे, लेकिन उसका पीछा करने वाले जो रिसोर्सेस था वो रशिया का था, पीछे पीछे न्यूक्लियर सबमरीन उनका पीछे करते रहे, ये करीब 7 जनवरी तक पीछा करते रहे, उसके बाद अमेरिका की जैसे निकल गए ये भी निकल गए थे। बस यहीं पे मैं मोटा तौर पे कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में पूरा विश्व जैसे लगा एक समय था कि हिंदुस्तान के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान सारे चुनौती को सामना करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिरी में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर को उसको सरेंडर करा के देश में रेख देख करके फिर उनको वापस किए, लेकिन हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए। मेरे विचार में मुंह तोड़ जवाब के साथ पाकिस्तान से ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो हम कहते हैं इसको हमें परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर हमें एक्चुअली करना चाहिए था, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके वहीं पे सही जवाब देना था, क्योंकि भुट्टो साहब ने जो कमिटमेंट करके गए थे उन्होंने वापस आके दिखा नहीं पाए कि जो कमिट इंदिरा गांधी को शिमला एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट दिया था वो हुआ नहीं। इसलिए आज के दिन में पाकिस्तान हमारे पीछे ही लगा हुआ है, कुछ ना कुछ करते रहता है जम्मू कश्मीर या और कुछ करते रहे। इसी के साथ वापिस गुड, ये पॉइंट आपने जो लास्ट में उठाया है इस बारे में मैं एक राउंड और करेंगे हम, और ये मैं जरूर जानूंगा कि जो पॉलिटिकल माइलेज और जो डिप्लोमेटिक माइलेज बांग्लादेश के निर्माण के बाद मिलना चाहिए था दोनों फ्रंट के ऊपर, वो भारत को संभवतः कहीं ना कहीं हम चूके हैं, वो बाद में क्या परिस्थितियां बनी है इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने बांग्लादेश को भी आजादी दिलाकर छोड़ दिया, इधर हमने ये जो 1000 कट्स की जो इनकी पॉलिसी है उसमें इनको एक बड़ा बूंद दिया, तब से ये फिर ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, तो ये दोनों बातों में हमारी तरफ जो फायदा होना चाहिए था उतना बड़ा फायदा हमको शायद नहीं मिल पाया, इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। अब मैं डॉक्टर मिर्जा साहब से ये जानना चाहूंगा, वो अपनी बात तो कहेंगे लेकिन मेरी तरफ से एक इनपुट के बतौर ये मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जनरल साहब ने भी पॉइंट उठाया है कि ये टू नेशन थ्योरी का एक तो इसमें बेस क्या रहा, और दूसरा शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनका किस तरह से ये मामला बना और किस तरह से फिर ये मुक्ति वाहिनी का, थोड़ा सा हमारे को इसका पसमंजर आप जरूर बताइए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं दो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी करेक्ट कर दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक तो ये कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसकी डेथ हुई थी 11 सितंबर 1948 में, और दूसरा जो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा वो एग्जाइल में चले गए थे और उनकी डेथ नेचुरल कॉजेज से लंदन में हुई। देखें, पाकिस्तान जाहिर है दो कौमी नजरिए पे बनाया गया, कम्युनल बेसिस पे, कि हिंदू अलहदा है और मुसलमान अलहदा कौम है, तो ये इस तरह से बनाया गया। क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रिएशन के हवाले से नहीं है, तो मैं बस एक यही बात कहूंगा कि पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया था ताकि भारत को जो है वो उसके दो बाजू काट दिए जाएं, ईस्ट में भी और ये वेस्ट में भी, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाए गए, और इसका मेन मकसद ये था कि बे ऑफ बंगाल के जरिए जो है वो भारत को समुंदर का रास्ता वहां से बंद किया जाए, और जो सेंट्रल एशिया का रास्ता जो इधर से जाता है पाकिस्तान जो अब है यहाँ से, ये रास्ता भी बंद किया जाए और एक प्रॉक्सी स्टेट क्रिएट की जाए, और वो प्रॉक्सी स्टेट आज तक अपना काम कर रही है, पहले बरतानिया के लिए, फिर अमेरिका के लिए, अब जो भी पैसे दे उसके लिए, लिहाजा अब वो चाइना के लिए कर। देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश की तो बुनियाद उस दिन पड़ गई थी जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जाके ढाका यूनिवर्सिटी में स्पीच की और कहा कि पाकिस्तान की सरकारी जुबान उर्दू होगी। अब देखें, उर्दू जो है ये पाकिस्तान वेस्ट या ईस्ट के किसी भी इलाके की लोकल लैंग्वेज नहीं है, ये यूपी के लोगों की लैंग्वेज थी, इसको वहां लाके इम्पोज किया गया। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो बंगालियों की थी, बंगालियों का ये इसरार था कि ईस्ट पाकिस्तान में सरकारी जुबान बंगाली हो, जिन्ना ने इसको कहा कि नहीं होगी। उसी दौरान
स्टूडेंट्स ने ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिटोरियम में खड़े होकर जिना के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और इतने वहां पे शोर शराबा हुआ कि जिना को वहां से निकलना पड़ा और फिर रॉयट शुरू हुए जो 7 दिन तक जारी रहे जिसमें कई स्टूडेंट जो है वो मारे गए उन रॉयट्स में। तो वो बुनियाद जो है इसकी वो वहीं से पड़ गई और ये आज भी बांग्लादेश में ये दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि जब वन यूनिट बनाया तो उसने जो प्रोविंशियल स्टेटस था पंजाब सिंध बलूचिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का वो खत्म करके इसको सेंट्रलाइज कर वन यूनिट बना दी। इसके खिलाफ भी बड़ी वहां पे तो इन तहरीकों के नतीजे में फिर वहां पे ना भाषानी थे उनकी अवामी लीग थी उसने बड़ा काम किया किसानों में तो वहां पे उनकी पार्टी बहुत तेजी से आगे चली गई। उसी में से फिर मुजीबुर रहमान साहब भी निकले उस पाए मतलब पैदा किया उस पार्टी ने मुजीब की शक्ल में एक लीडर। तो जब 1970 में पाकिस्तान में पहली दफा आजाद इलेक्शन पाकिस्तान बनने के बाद उसमें जो अवामी लीग थी शेख मुजीब रहमान की क्यादत में 66 सीट्स जीती सब की सब ईस्ट। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 या 88 सीट्स जीती। तो असूलन तो जो विनिंग पार्टी है उसको की दावत देनी चाहिए थी लेकिन उस वक्त के जो मिलिट्री ला के थे कमांडर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान जनरल याह्या खान ने कहा और भुट्टो ने कि किसी कीमत पर भी जो है वो बंगाली थी गवर्नमेंट कि वो पंजाब का सारा निकल जाएगा और निकल जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने तहरीक चलाई और मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट दिए कि ये 6 पॉइंट्स और इन्हीं 6 पॉइंट्स के ऊपर फिर तहरीक चली। वो 6 पॉइंट्स ये थे, एक तो ये कि टेरिटोरियल अटॉर्नी चाहिए ईस्ट पाकिस्तान के लिए, दूसरा ये कि जो फेडरेशन है वो सिर्फ फॉरेन डिफेंस को डील करेगी बाकी तमाम मामला जो है वो ईस्ट पाकिस्तान खुद उनको डील करेगा, फिर ये कि तो सेम ही चलेगी लेकिन बैंकिंग जो है वो सेपरेट होगी यानी ईस्ट पाकिस्तान का अपना स्टेट बैंक होगा और वेस्ट पाकिस्तान का अपना स्टेट बैंक, फिर ये कि इनको इजाजत होगी प्रोविंस को क्योंकि वो प्रोविंस था उस वक्त कि ये अपनी पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिशिया जो है वो बना सकते हैं अपने दिफा के लिए, और आखिर जो था वो ये था कि इनको इंडिपेंडेंट ऑफ द फेडरेशन की इजाजत दी जाए इनके ऊपर वो पूरी। और फिर वहां जब शुरू हुआ मार्च 1971 में तो फिर सामने आया कि बांग्लादेश जो है आजाद किया जाएगा ईस्ट पाकिस्तान को और उसको बांग्लादेश और फिर यहां से ये तहरीक चली और फिर मार्च में वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन किया गया जनरल टिक्का खान ने, उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों औरतों का बलात्कार किया गया, घरों को आगे लगाई गई, देहातों में जाके लोगों के घरों को आग लगाई गई और फिर 1 करोड़ रिफ्यूजीज जो है वो वेस्ट बंगाल इंडिया में आ गए जिसकी वजह से इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ा इस जंग में। तो अब इसके मेरे नजदीक जो है ये जिस तरह जनरल साहब ने बताया वाकयात ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं इसके जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के वाले से या सोशियोलॉजी के वाले से या पॉलिटिकल जो है फिलॉसफी उसके हवाले से मैं चाहूंगा कि मैं चंद बातें अपने आपके दर्शकों के सामने रखूं। उनमें पहली बात तो ये है कि जो बांग्लादेश का क्याम है उसने ये साबित किया है कि कौमें जो होती हैं नेशंस वो अपनी तकदीर खुद बना सकती, वो उनकी तकदीर दूसरा नहीं लिख सकता, उनके ऊपर जो काबिज है वो नहीं लिख सकता, वो कौमों को अपनी तकदीर खुद लिखनी होती है और वो लिख सकते हैं और वो साबित उन्होंने किया कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान खत्म करके बांग्लादेश बनाया। दूसरा इसका जो एक बहुत बड़ा पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इट इज नॉट एन इनविंसिबल मिलिट्री एंटिटी,
पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दी जा सकती है और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा देश आके उसको शिकस्त दे। पाकिस्तानी फौज ने जिन कौमों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसमें हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी शामिल हैं, हम भी, उन्होंने ये सबक सिखाया कि हम भी पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दे सकते हैं। ये पाकिस्तानी फौज इनविंसिबल नहीं है। तीसरा, मैं ये समझता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो जिना की थ्योरी को बिल्कुल खत्म कर देता है यहाँ पे, वो ये है कि इस्लाम कैनॉट बी अ सस्टेनेबल बाइंडिंग फोर्स टू होल्ड पाकिस्तान टुगेदर। यानी बाइंडिंग फोर्स हो सकती है लेकिन नॉट अ सस्टेनेबल बाइंडिंग फोर्स, क्योंकि बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान वो जगह है जहां से मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ती है 1906 में और तहरीक पाकिस्तान का आगाज होता है। और उसने ये साबित किया कि अगर आप कौमी हकूक नहीं देते, आप नेशनल जो राइट्स हैं ऑप्रेस नेशंस के राइट्स जो है उनको नहीं देते, तो फिर रिलीजन हो या मार्क्सिज्म हो या सोवियत यूनियन की तरह का कॉम्युनिज्म हो, वो फिर सस्टेनेबल बाइंडिंग फोर्स नहीं रहती, वो फिर डाइल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसी के खिलाफ बगावत होती है, उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ। फिर इसमें यह है कि पॉलिटिक्स जो है, जिस तरह मैं कहता हूं, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। यानी वो, उन्होंने जो मुजीबुर रहमान की पॉलिटिक्स थी, उन्होंने इलेक्शन के जरिए इकतदार में आने की कोशिश की, इलेक्शन के जरिए ऑटोनॉमी हासिल करने की कोशिश की, इलेक्शन के जरिए उन्होंने पावर में आके स्टेट बैंक और फॉरेन ट्रेड और ये सारा कुछ करने की कोशिश की, बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल, दैट वॉज नॉट पॉसिबल अंडर द योग ऑफ एन ऑप्रेसिव पाकिस्तानी आर्मी। तो वॉट वॉज पॉसिबल, पॉसिबल वॉज टू वेज अ लिबरेशन वॉर, आजादी की जंग जो है वो पॉसिबल थी और उन्होंने वो पॉसिबिलिटी को इस्तेमाल किया। और यही मुजीबुर रहमान मुक्ति बानी का आर्ट था कि उन्होंने पॉलिटिक्स को आर्ट फॉर्म दे दी और पॉलिटिक्स जो है उसका जो है मुमकिनात को हासिल करने का फन, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग व्हाट इज पॉसिबल, उसको उन्होंने। इसके साथ साथ जो है वो हमारे लिए एक वक्त और भी है कि जब तक इन विल या एक छोटे से ग्रुप की विल जब तक यूनिविल नहीं बनती, जब तक आफाकी मर्जी नहीं जनता की, जब तक वो ट्रांसलेट यूनिवर्सल विल में, इंडिविजुअल विल, उस वक्त तक जो है वो एक कामयाब तहरीक आजादी जो है नहीं चलाया जा सकता और आजादी हासिल नहीं की जा सकती। आखिरी सबक मैं समझता हूँ हमारे लिए ये है, जो पीओजे के बीबी के लोग हैं वो ये है कि अगर यार बंगाली कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम के तवसल से। जी, एक नेक्स्ट राउंड बहुत ही ब्रीफ थोड़े से के लिए रखेंगे और उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बलूचिस्तान में लिबरेशन का जो मूवमेंट चल रहा है, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी है, क्या शेख मुजीबुर रहमान के उस आइडियोलॉजी को जिसको आपने अभी बहुत ही विस्तार से बताया है, वो किस तरह से इसको कोरिलेट करती हुई लगती है आपको, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और अब मैं जनरल साहब से जरूर, हमने जो बात पूछी थी कि क्या 1971 में जो हमारी सेना ने वैलर दिखाया और जिस तरह का काम हमारी सेना ने किया, उसके बाद जो हमारे देश को और हमारे देश की डिप्लोमेसी को और हमारी बॉर्डर को जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए था, उसकी क्या स्थिति रही है, क्या हालात हैं, वो जनरल साहब से हम जानना चाहेंगे। जनरल साहब को थोड़ा सा कोई कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई अचानक से, तो मैं डॉक्टर मिर्जा साहब से ही एक बार वापस से चर्चा को जोड़ना चाह रहा हूं, जो हमने अभी बातचीत की कि शेख मुजीबुर रहमान का वो जो मोमेंट था और जो पॉलिटिकल एकदम क्लियर कट जो एक उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो क्या बलूचिस्तान में भी उस तरह की कोई आवाज पॉसिबल है क्या? देखिए, वहां पे उठ रही है और पिछले 30 डेज से ग्वादर में हजारों लोग जो है धरना देके बैठे हुए हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं, सोशल कंडीशन
और इकोनॉमिक्स को बेहतर करने की डिमांड्स हैं, और यही डिमांड जो है आगे यूनिवर्सल विल जो है उसमें तब्दील होंगी। पहले बलूचिस्तान में छोटे छोटे मुजाहरे होते थे, क्वेटा में हो गया, खजदार में हो गया, ग्वादर में हो गया, और जिसमें लोग यही मुतालबे लेके आते थे, लेकिन इन मुतालबों की जो विल इंडिविजुअल विल थी ग्रुप्स की शक्ल में, वो आज बलूचिस्तान की यूनिवर्सल विल में तब्दील हो गई। देखना ये है कि बलूचिस्तान की ये जो जनता है, ये इसकी जो ये अब यूनिवर्सल विल है कि इन द फ्रेमवर्क ऑफ द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कैन दे अचीव प्रॉस्पेरिटी, कैन दे अचीव ह्यूमन राइट्स, कैन दे यू नो प्रोग्रेस, कैन दे रेज देयर लिविंग कंडीशंस। जब ये उन कोशिश से ये जो एक कह लें कि सैराब है या ये जो एक इम्पॉसिबिलिटी है, जब ये भी पाश पाश हो जाएगी तो फिर वो फ्रीडम की जो है वो यूनिवर्सल विल बनेगी सोसाइटी की, और फिर यही मूवमेंट जो है जो बलोच शर्मचार लड़ रहे हैं पहाड़ों में उनके साथ जब ये जुड़ जाएगी तो फिर रूरल और अर्बन वॉरफेयर के जरिए जो है वो बलोचिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर आजाद हो पाएगा। जी, तो हम जनरल साहब से जानना चाह रहे थे कि ये जो हमारी विक्ट्री है, हमारी सेना का जो वैलर बांग्लादेश में जिस तरह से दिखा, उसका पॉलिटिकल माइलेज और डिप्लोमेटिक माइलेज हमारे देश को किस तरह से मिलना चाहिए था और क्या हालात हैं, इसके ऊपर हम जनरल साहब से जानना जरूर चाहेंगे। जी जनरल साहब, देखिए सुभाष जी, उसके ऊपर कमेंट करने से पहले मैं डॉक्टर मिर्जा साहब को बधाई देना चाहता हूं, इतने बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने मसलों को सामने लाए हैं। ये हमारे व्यूअर्स को, दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टू हियर अ पर्सनालिटी ऑफ हिज स्टेचर, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हिम एंड कॉम्प्लीमेंट यू फॉर द चैनल। अच्छा, नाउ आप जो कह रहे हैं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, हम किस हद तक कहाँ तक हम उसको हम अचीव कर पाए हैं? इतना बड़ा अचीवमेंट, 93,000 POW प्रिजनर ऑफ वॉर, लड़ाई 13 दिन का नहीं, मेरे तरफ से तो ये लड़ाई उस दिन से स्टार्ट हुआ था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग बटोरा हो गया था, तब से लड़ाई, ये सिमरिंग लड़ाई था। ये अभी भी और कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर आने वाले समय में, ये वही लोग कहेंगे। मेरा सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान एक नेशन स्टेट 1947 अगस्त 1947 से पहले नहीं थी। इट वॉज अ पेनिनसुलर इंडिया, इट वॉज अ सिविलाइजेशन विद प्रिंसली स्टेट्स। ये 565 प्रिंसली स्टेट्स को थैंक्स टू वल्लभ भाई पटेल एंड हिज टीम, थैंक्स टू डॉक्टर अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट किए थे, पर्टिकुलरली वल्लभ भाई पटेल जी, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने जी जान लगा के 565 नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट को या प्रिंसली स्टेट को मनाना इतना मुश्किल होता है, आप अंदाज लगा सकते हैं 565 प्रिंसली स्टेट्स को ला के एक नेशन बनाना इतना आसान काम नहीं था। उसके अंदर फिर रिलीजियस फैक्टर आ जाता है, पैरामीटर हिंदू और मुस्लिम। डॉक्टर मिर्जा साहब ने जो पॉइंट जिक्र किए हैं, उनका जो अहम जो बुनियादी सेंट्रल इशू था कि मुस्लिम जो है बंगाल में हिंदूज का इन्फ्लुएंस की वजह से उनका कल्चरल डेफिशिएंसीज बढ़ते जाएगा, तो ये जो पॉइंट था जिन्ना साहब का, ये बिल्कुल ही जो कॉन्सेप्ट था रिलीजियस कॉन्सेप्ट, और उसको बरकरार करने के लिए उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी किया। इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल माइलेज है, हमारा देश, हमारा कल्चरल लिए डेफिशिएंसी बोलिए या ताकत बोलिए, जिस अहम मुद्दों के ऊपर हमारा देश की जो ग्रोथ होती जा रही है, जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं अतिथि देवो भव, जिसके बारे में मैंने पहले बोल चुका हूँ, और वसुधैव कुटुंबकम, ये जो कल्चरल हमारा जो बुनियादी गाइडलाइंस है, ये कहता है कि गाल में कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखाओ, एकोमोडेशन, ठीक है ना। दिल बहुत बड़ा है हमारा, चाहे कितना भी नॉनसेंस होते जाए हम उसको एकोमोडेट करते जाते हैं। ये एक कमी है हमारे कल्चर के अंदर। ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे कल्चर के अंदर ये कमी है, वी आर अ डिफेंसिव नेशन, नो। इवन 1947 से लेके अभी तक अगर एक एक चीज मैं सबके सामने बताऊंगा, आप सब सुन के हैरान हो जाएंगे, हमारा इतिहास को सही तरीके से लिखा नहीं गया है,
सही तरीके से हमारे आने वाले पीढ़ियों को नहीं बताया जा रहा है। 1947 की जो लड़ाई है, आप अगर एक एक चीज गहराई में जाएंगे, जो मुंह तोड़ जवाब हम पाकिस्तान को दिए हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, फौज तो अपॉलिटिकल है, हम पॉलिटिकल डिसीशंस के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन हमारा सैनिक, बहादुर सैनिक, जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को दिया है, चाहे आप 47 की बात करिए, चाहे आप कोरिया में जब यूएन मिशन के लिए गए थे उस समय की बात करिए, चाहे आप 62 में इतना सब कुछ नुकसान होने के बावजूद भी, जहां जहां मौका मिला है, हमारा तैयारी ना होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ हमारे खिलाफ था, तथा फिर भी हमने चाइनीज को जहां जहां हो सकता है अच्छी तरह जवाब दिए हैं। एक जसवंतगढ़ है, आप उसकी बात करिए, तवांग की बात मैं कर रहा हूं, आप ये नामकाचू की बात करिए, मैं लेह लद्दाख में खुद कमांड किया हूं, उसका कहानी अगर आप पढ़ोगे खुद ही हैरान हो जाओगे कि इतने कमियों के बावजूद, बिना कम्युनिकेशन, आज के दिन में रजंगला का नाम सुनते हैं, पहुंचते पहुंचते नाकेदम हो जाते हैं, लेकिन उधर मेजर थापा साहब इतना दूर गए कैसे, ना गाड़ी, ना मटर, ना कम्युनिकेशन, कुछ नहीं था उस समय, अभी हमें जाने में तकलीफ होता है वहां तक। तो इसी तरह आप 1965 जबकि पाकिस्तान ने शुरू किया था, फिर भी ये एक स्टेलमेटेड ऑपरेशन था, वो जीते नहीं थे 1965 की लड़ाई, 1971 की बात कर रहे हैं आप, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर की बात करिए, उसके बाद आप मालदीव्स की बात करिए, आप ऑपरेशन पवन गए थे कोई कारण की वजह से, लेकिन हुआ और कुछ, उसके बारे में उसको हटा दीजिए वो हिस्सा, लेकिन साथ ही आप मालदीव्स ऑपरेशन जो हुआ है, और ये गलवान आपका जो डेमचोक, चुमर, ये सारे इंसिडेंट, डोकलम, ये देखिए सब, हर एक ये में कुछ ना कुछ, आपका 1961 ऑपरेशन विजय, जो गोवा लिबरेशन हुआ था, हैदराबाद, जूनागढ़, क्या ये एग्जाम्पल नहीं है इंडियन ऑफेंसिव माइंडसेट की, बहुत कुछ है। तो इसीलिए हमारा एक कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, कोई तालमेल की कमी है, वो तालमेल की कमी है जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मेरा भी 60 साल के ऊपर हो गया उम्र, आप लोग शायद मेरे से बड़े होंगे, लेकिन मेरे को जितना समझ में आ रहा है, हिंदुस्तान ये 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जो जो मसले हम अचीव किए हैं, जो जो चीजों को हमने अचीव किया है, शायद कोई सुपर पावर भी अचीव नहीं किया होगा इतने सारे चुनौती के बावजूद। इसी के साथ मैं कहता हूं, है कमियां जरूर है, ये पहली बार 2014, ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी गवर्नमेंट बैठे हैं इसलिए उनको तारीफ कर रहा हूं मैं, ये हकीकत है, बाकी गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत किए हैं, काम किए, लेकिन 2014 से जो जो मुद्दे सामने आए हैं, ये एक हिंदुस्तान का जो छाती है चौड़ा हो जाता है, देख के हमें लगता है कि हाँ है, हम हिंदुस्तानी। इसलिए आज के डेट में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास होता है हिंदुस्तानी होने के नाते, वो आत्मविश्वास का जो लेवल है वो शायद 25-30 साल पहले नहीं था। एक आम आदमी को जब आप देखते हैं, चाहे एजुकेशन की स्टैंडर्ड, हेल्थ की स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ की स्टैंडर्ड, एक सैनिक का जो बहादुरी है, उसका चलने का तरीका, बात करने का तरीका, दुश्मन के साथ हैंडल करने का तरीका, गलवान एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, उससे बेहतरीन एग्जाम्पल डोकलम है, ठीक है ना। सो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, है कमियां डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग हमारे पास आज के दिन में, मेरे समझ के मुताबिक हिंदुस्तान को अगर एक रीजनल पावर बनना है या पावर ऑफ ग्लोबल रेलिवेंस बनना है, डिप्लोमेटिकली हमारा जो आर्किटेक्चर है इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम वो 1500-1600 जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिप्लोमेट्स हैं उससे काम नहीं चलेगा, उसको बढ़ा के कम से कम 3000 के आसपास जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चाइना के साथ नहीं कर सकते हैं, इनके पास पैसा है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, हम एक्चुअली आम तौर पे दुश्मन हो दोस्त हो, हम भूल जाते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। वो कहावत में है, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर साहब बार बार पहले कहते थे कि दुश्मन और दोस्त बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो है परमानेंट है, वो नेशनल इंटरेस्ट। शायद कहीं किसी लेवल पे हम नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। अब मेरे को लग रहा है ये शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ क्या नहीं, आप अगर वो कॉन्फिडेंशियल नोटिंग शीट पढ़ेंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। उसको डिस्क्लोज करना निहायत आवश्यक है, आरटीआई के जरिए से ये बताना जरूरी है, क्यों इतने सब कुछ जीत के बावजूद जो भुट्टो साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान वापिस जाके मैं समझाऊंगा लाइन ऑफ कंट्रोल को, हम आईबी बनाएंगे,
क्यों आम जो भाषा है वो पाकिस्तान में जाते ही उनका पूरा कमिटमेंट बदल गया। हम आमतौर पे जो आपसी बातचीत होती रहती है डिप्लोमा, आजकल थोड़ा चटक बन गया हम, या अफगानिस्तान का जो झटका मिला है ना हिंदुस्तान को, जो कंसल्टेशन की जो कोठरी में नहीं रखा गया है, इससे हमें एक अच्छा सिखला, एक सबक मिला है। ये हमें झिझक के पूरा एकदम जाना चाहिए, शेर टूटना चाहिए सबके ऊपर, हर जगह हमारा पैसा आ जाएगा। पैसा आज के दिन में 2.7 ट्रिलियन कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है, सबसे बड़ा पैसा है हिंदुस्तान का, पूरा देश में। डॉक्टर मिर्जा विल बेयर मी आउट, आज के दिन में हिंदुस्तान को लोग जितने कदर करते हैं पूरा विश्व में, शायद चाइना को तो कोई पसंद करता ही नहीं है, पाकिस्तान को तो देश की तरह मानते ही नहीं है। तो इसलिए हमें डिप्लोमेटिक रिसोर्सेस, आर्किटेक्चर और जो रीच है ये बढ़ाना है, प्लस स्ट्रेटेजिकली हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग और डीलिंग विद द नेबरहुड, इसको बदलना पड़ेगा। बड़े मुश्किल से अभी नेबरहुड का बजट एलोकेशन होने लगा है, फंड्स बढ़ने लगे हैं। इस साल जो है 2021-22 में 7001 करोड़ पैसा अलॉट हुआ है, इसमें से ज्यादा पैसा भूटान को दिया जा रहा है, करीब 3004 करोड़, 9900 करोड़ करीब नेपाल को दिए जा रहे हैं। ये जो हमारे इमीडिएट नेबरहुड है, इनको हमें किसी भी तरह इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए और उनको हमें लाना है अपने प्लान ऑफ प्रोग्रेस में। तीसरा चीज है जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के साथ हमारा रीच बढ़ाना चाहिए। और चौथा चीज है, चाहे माने या ना माने, कुछ महत्व हो या ना हो, लेकिन मेरे विचार के मुताबिक यूएन में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनना निहायत आवश्यक है। भारत का जो पॉपुलेशन अभी चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं, अनऑफिशियली हमारा पॉपुलेशन 1.4 बिलियन हो चुका है, और चाइना का एक्चुअल पॉपुलेशन, उनका अगर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को पढ़ेंगे, कोई बार वो कर चुके हैं, चाइना का पॉपुलेशन उतना नहीं है जितने वो क्लेम कर रहे हैं, उनका एक्चुअल पॉपुलेशन है 1.28 बिलियन। सो इतना पॉपुलेशन के बावजूद और लैंड मास और सेंट्रलिटी ऑफ ज्योग्राफी होने के बावजूद, अभी जैसे ऑगस फॉर हुआ है जा रहा है, चाहे आप पेंडेमिक के टाइम में कहिए या आगे पीछे, ये हमें परमानेंट सीट के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विश्व में जो भी कुछ हो रहा है, आप कहेंगे यूक्रेन हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट बियरिंग नहीं है, ठीक है मैं मानता हूं, अगर व्लादिवोस्टोक हो सकता है, चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक का हम नॉर्थ साउथ का जो लिंक हम सोच रहे हैं, हम ये भी सोच रहे हैं नॉर्दर्न रूट आर्कटिक के थ्रू, तो ये यूक्रेन में जो हो रहा है इसमें भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि रशिया के खिलाफ दखल अंदाज करिए, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होना धीरे धीरे, हमें रशिया को कॉन्फिडेंस में लेके, ये लड़ाई के लिए नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो ये आप मास्टर स्ट्रोक का भी प्ले किया है, इसी तरह करते रहना चाहिए बाकी देशों के साथ भी। ईरान, ईरान एक एग्जाम्पल है वेस्ट एशिया के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहूंगा दो चीजें, एक है इकोनॉमी और दूसरा है टेक्नोलॉजी। ये दो चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमी चाहे ऐसा काम पे, ऐसा जगह पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि अगले 5-10 साल में ये 2.7 मल्टीप्लाई हो के 5-10 ट्रिलियन हो जाए, ताकि हमारा पहचान और अलग किस्म के हो। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी कहता हूं, इज अ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इज अ सिम्स है, जो चिप्स आप सिलिकॉन अलॉय बोलते हैं ना, स्ट्रिप्स, इसका मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में कोई सोचा नहीं था। मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार में हिस्सा लिया हूं, पढ़े लिखे लोग वर्ल्ड बैंक से आए हैं, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान का टाइम पार हो गया। मैं एक सोल्जर हूं, एक अनपढ़ गवार जो माना जाता है सिविल वातावरण में, लेकिन थोड़ा क्या हो रहा है पता है मुझे, क्योंकि भैया ये एक चीज है जिसकी वजह से चाइना का इकोनॉमी बूम हुआ था। आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? बड़े क्वालिफाइड क्लासिफाइड इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जनरल साहब हिंदुस्तान का समय चला गया है, लेकिन शुक्र है हमारा लीडरशिप इसको उन्होंने अंदाज लगा है, शायद वो सुन रहे थे उस दिन, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स थे, तो उन्होंने ये लेके, आप सबको पता होगा 76,000 करोड़ रुपीज अभी सैंक्शन हुआ है, CCS ने अप्रूव किया है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो आप जो कहते हैं क्या बोलते हो आप उसको, ये जो मोबाइल G5 व्हाट इज दैट कॉल्ड एज दैट केबल नेटवर्क व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ऑप्टिक फाइबर, हाँ द ऑप्टिकल फाइबर जो हुआ हुई जिसके वजह से ये हुआ था ना, क्या फाइव बोलते हैं उसको, जो मोबाइल में आता है नेटवर्क, 4G 5G 6G 4G 5G
5G नहीं, हिंदुस्तान को आगे के बारे में AI, ऑटोनोमस सपोर्ट सिस्टम, हमें 5G नहीं 6G के बारे में। अच्छा है, मैं IIT में गया था लेक्चर देने, मेरे को वहां के जो IIT स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स पीछे पड़ गए। मैंने बोला आप लोग को सोचना चाहिए ड्रोन बनाना, जो अनआर्म्ड जो ड्रोन्स है, एरियल व्हीकल आपको बनाना चाहिए, आपको AI सपोर्टेड इक्विपमेंट बनाना चाहिए, आपको रोबोटिक्स के बारे में इन्वेस्ट कैसे हो सकता है। फ्यूचर ये इंडिया का नहीं है, विश्व का फ्यूचर अभी रोबोटिक्स के बारे में सोच विचार हो रहा है। ये जो इंपोर्ट डोमिनेटेड की वजह से, हमें एक्सपोर्ट डोमिनेटेड होना चाहिए। भारत का इकोनॉमी, हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन, मिडिल क्लास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है आज के दिन में, और 600 मिलियन जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर पैरिटी इन्हीं के वजह से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है। आने वाले समय में बाय 2050 ये हमारे जो 600 मिलियन बढ़ के 1 बिलियन हो जाएंगे मिडिल क्लास पॉपुलेशन, और परचेसिंग डोमेस्टिक कंजप्शन इतना बढ़ जाएगा आप पूछिए मत। लेकिन साथ ही हमें एक्सपोर्ट करना निहायती आवश्यक है। ये चंद एक चीजें हैं। बैक टू यू प्लीज। गुड, वेरी गुड पॉइंट। एंड मेरे ख्याल से तो हो गया प्रोग्राम, कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर मिर्जा साहब को कुछ कहना हो तो इशारा कर दें, या मैं कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए भारत के नागरिकों को और अपने जो POJK और POGB के नागरिकों को, के श्री भगवद गीता में बहुत सारी काम की बातें हैं, लेकिन एक हमारे लिए जो उसमें काम की बात है वो ये है कि हमें रहना है मल्टी फोकल, नहीं रहना, हमें सिमट का तय्यून करना है कि हमने पाकिस्तान से असर करनी है, और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू को हमने जम्मू कश्मीर के साथ और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के साथ जोड़ना है, और इस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को इनटू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मेरा बस ये एक पैगाम है कि यूनिफोकल रहें, मल्टीफोकल ना रहें, एक सिमत रखें और अपनी लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद रखें। जी, थैंक यू। वेरी गुड। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में डॉक्टर मिर्जा साहब ने जिस तरह से बात कही है, हम हमारे दर्शकों को, जो दर्शक नए हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि हम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के ऊपर हर रविवार को शाम 6 बजे से एक कार्यक्रम करते हैं, सीकिंग द एनलाइटनमेंट, और हम आग्रह करेंगे कि उस कार्यक्रम में भी आप जुड़ें। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम, जो हमने स्पेशली डिजाइन किया है विजय दिवस के मौके के ऊपर। आज 1971 को लगाकर आज यदि हम जोड़ेंगे तो 50 साल इस विजय दिवस को हो चुके हैं, और भारत इस दिवस को स्वर्णिम जयंती के रूप में मना रहा है। आज इसी अवसर पर हमने यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। इसमें मेरे साथ जुड़े हुए थे मेजर जनरल सुधाकर जी, और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के और इंडियन इंग्लैंड रहने वाले डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा। आपने इन दोनों विद्वान पैनलिस्ट से सुना कि किस तरह का वो दृश्य था और क्या क्या वो हुआ जिसमें कि बांग्लादेश को आजादी मिली और पाकिस्तान की नापाक फौज को बुरी तरह से शिकस्त मिली। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। आप दोनों आए पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जनरल साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आपने जाना कि किस तरह से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज को घुटने टिकाते हुए सरेंडर कराया गया, और जो फौज अपने आप को बहुत बलशाली मानती थी उसको इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तानी फौज को, वो आज तक इतिहास में दर्ज है। और उसी दिन को विजय दिवस के रूप में हम याद करते हैं जब पाकिस्तानी सेना अपना लाव लश्कर छोड़कर न केवल भागने पर मजबूर हुई बल्कि युद्धबंदी के रूप में विश्व में एक रिकॉर्ड कायम कर देने वाली स्थिति में फंसी। उसी याद में आज हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया, आपने हमारे कार्यक्रम को ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।